हेलो, मैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ यशोदा संजय नगर ब्रांच में। ये वैसे तो स्पेसिफिकली कैंसर रिलेटेड ब्रांच है, लेकिन हमने इस जगह पे इस ब्रांच में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, स्पाइन सर्जरीज एंड ऑल कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जरीज, वो सब हम यहाँ रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपने अपनी ज्वाइंट्स का, अपने स्पाइन का ख्याल नहीं रखा तो केवल उसका ट्रीटमेंट सर्जरी पार्ट है या आपको उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत लंबे टाइम तक के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। हम इन सभी चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से और थोड़ी एक्सरसाइजेस करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंटली ये बात जानना कि हमारे घुटने और स्पाइन में किस तरह की स्ट्रक्चर है और हम किस तरह की एक्सरसाइजेस या किस तरह की चीज़ों को ना करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने घुटने के लिए। घुटना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। चलना फिरना घूमना सभी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम अपने घुटने के ऊपर और नीचे की मसल, जांग और पिंडली को स्ट्रांग रखें। एज के साथ साथ, टाइम के साथ साथ हमारे घुटने में अंदर की तरफ का गैप कम हो जाता है और गैप कम होने के बाद में उसकी आर्टिकुलर कार्टिलेज में डैमेज हो जाता है, जिसको हम धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो इतना ख़राब हो जाता है कि बगैर सर्जिकल चेंज किए बगैर काम नहीं चलता। लेकिन अगर हम थोड़ा पहले अगर चीज़ों को जान जाएं और एक सही एक्सरसाइज करें तो हम अपने घुटने को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हमें बहुत बार बदलने की ज़रूरत या उस तरह की ज़रूरत ना पड़े। और हम जो ट्रबलसम हो जाते हैं कि हम कैसे चलें, कैसे अकेले रहें, कैसे पानी पिएं, कैसे अपने रूटीन काम को करें, उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं।